मुसलमान ने मना करा के तुम मंदिर मत बनाओ। नरेंद्र मोदी सवाल झूठा, योगी सवाल झूठा, तो इन्हें शहर का वोट चाहिए, इन्हें देहात से कोई ताल्लुक नहीं है। देहात बीजेपी को वोट नहीं देगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का। अनिल अंबानी का अच्छे दिन आए, मोदी जी को हराना है हर हाल में। सिर्फ नोटबंदी गौबंदी इस अलावा कुछ नहीं करा। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आकिल रजा। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत हमारी टीम जगह जगह घूम रही है, दौरा कर रही है, लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं। ये मुरादाबाद का गांव खाईखेड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और लोकसभा क्षेत्र चंबल पड़ता है। यहां के लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या यहां के मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ आप मतदान करने वाले हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि विकास का मुद्दा होना चाहिए। विकास जरूरी है। ये मोदी जी की बातें हैं, ये फालतू वाली बातें हैं, सब जुमलेबाजी बातें हैं, ये इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्रहित में वोट करिएगा, और राष्ट्रहित तो सभी है, हमको राष्ट्रहित में नहीं है। राष्ट्रहित हम नहीं रखते हम दिल में, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारा हिंदुस्तान नहीं है क्या? राष्ट्रहित है, लेकिन झूठित तो नहीं होना चाहिए। भाई झूठित जो है वो खा रहे आदेश को, झूठित को वोट नहीं करेंगे। 15 लाख का वायदा मोदी जी ने करा, 15 लाख में से 15 रुपए भी दे देते तो शायद हम वोट दे देते। अब 15 लाख में से 15 रुपए नहीं दिए, और जो घर में थे वो और चले गए कि आज फोटो स्टेट कराओ, आज हुआ जमा करो, कल हुआ जमा करो, परसों फुर्सत नहीं लेने दिए पूरे 5 साल। अच्छा, झूठ जुमलेबाजी को लेकर यहाँ जैसे 2014 में यहाँ से सांसद चुन के गए थे, हमारे 4,000 की आबादी है हमारे गाँव में, एक भी ईंट को ये बता दे कि बीजेपी ने लगाई है। अच्छा, कोई भी बता दे क्या वजह लगी है, उनकी नीति सही नहीं है, नीति सही नहीं है। हाँ, तो आप क्या क्यों लगता है आपको कि गठबंधन की तरफ जाने से कुछ भला होगा? गठबंधन में ये तो सभी को रमान वर्क यहाँ से टिकट है उन्हें, और वो चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी 4 बार वो एमपी रह चुके हैं, ईमानदार छवि के नेता हैं, पुराने दिग्गज, कोई भी उन पर 1 रुपये का आज तक चार्ज नहीं बता सकता। अच्छा, तो और बुजुर्ग आदमी है, हम जो हैं सारे लोग उन्हीं का समर्थन करेंगे, और गठबंधन ने ही काम कराया। जैसे रोड पे आप खड़े हो ये भी गठबंधन की कराया हुआ रोड है। अच्छा, ये सभी को रहमान बर्क नहीं दिया था पीछे भी। अच्छा, ये जो टाइल्स, हाँ टाइल्स पीछे हुई है, देखो आप दूर तक। लेकिन यहाँ पर सांसद तो बीजेपी के थे, आप बीजेपी वाले तो ना जीतने से पहले आए ना जीतने बाद आए, सतपाल थे। सतपाल से कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि सतपाल 1 घंटे को भी 1 मिनट को भी गांव में आए हों, या एक भी ईंट उन्होंने हमारे गांव में लगाई हो, या एक भी नाली का कोई विकास कर। अच्छा, मोदी जी कहते हैं आवास योजना के तहत पूरा जो गाँव में हर एक घर मिल गया है, कोई भी बिना घर का नहीं है, क्या इस गाँव में घर मिले हैं? यहाँ मोदी जी की योजना जो थी वो 1,20,000 की थी, 20,000 कर्मचारी चपरासी वगैरह खा गए, 1 लाख में क्या चीज आदमी बना लेगा। समाजवादी सरकार में 3.5 लाख की लोहिया कॉलोनी थी, वो यहाँ लोगों को मिली है, सामने देख लो मकान बने हुए भी खड़े हैं। तो 3.5 लाख में तो उसमें लाइटें वाइटें भी आई थी, 50,000 का सामान उसका ऊपर का आया था, सूर्य लाइट वगैरह, और कई मकान यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ सूर्य लाइटें लग रही हैं। तो कोई समाजवादी के दौर में लगा, समाजवादी पार्टी के उससे लोहिया ग्राम। उज्ज्वला योजना की हम बात कर रहे थे, क्या लगता है कि यहाँ पर सिलेंडर वगैरह मिले हैं? उज्ज्वला योजना काफी, उज्ज्वला योजना का ये जरूर हुआ है क्या, वो मिले हैं कुछ लोगों को जिन्हें जो होती है, हमें तो खैर पहले मिल गए, हमने अपना कनेक्शन कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों को मिले हैं। लेकिन अब उसमें रेट 450 का वायदा करा था, अब 750 का मिल गया। अच्छा, उसमें भी मतलब फ्रॉड है, महंगाई को लेकर जो वादा दिया था मोदी सरकार की, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो क्या महंगाई कम हुई है? महंगाई कम हुई है, 450 मिल गया, 750 मिल गया भाई, सारे सिलेंडर अभी तो आया भर गया। युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है मूलभूत मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव? चुनाव में मूल मुद्दे यही होने चाहिए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए उसमें। और मोदी सरकार ने आज तक जो सारी अपनी मोदी सरकार ने 5 साल सरकार चलाई मोदी सरकार ने, मगर सारे जितने भी दिन रहे वो देश में नहीं रहे, वो विदेशों में रहे, वो उन्होंने विदेशी यात्रा करी, उन्होंने हर बार विदेशी यात्रा में पैसा खर्च करा, इतना पैसा अगर जनता को देते, जनता की विकास को देते तो और अच्छा लगता। जितना पैसा उन्होंने फ्लाइटों में खर्च करा, मतलब अपने आने जाने में खर्च किया, 1 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने, तो मगर वो जनता को देते, जनता में गरीबों को देते, गरीबों में विकास होता, उनके घर बनते। आजकल लोगों के घर कच्चे, हमारा भी घर कच्चा, आज तक कॉलोनी नहीं मिली हमें भी, समझ गए, नहीं कॉलोनी नहीं मिली आज तक, आवास योजना के तहत नहीं मिली, नहीं मिली कोई आवास। एक चीज ये है कि दोहरीकरण करा गया, दोहरीकरण का मतलब ये, शहर में कॉलोनी 5 लाख शहरी विकास योजना के अंतर्गत, गांव में 1,20,000, गांव में 1,20,000 की योजना है और शहर में 5 लाख की योजना। तो क्या देहात वाले क्या मतलब ये क्या कुछ कम पैसों का खाते हैं क्या चक्कर है उन्हें, उनके उनके साथ जो है एक जास्ती बेईमानी है एक तरीके से, मोदी जी की बेईमानी है कि वहाँ 5 लाख गांव में जब कुछ ज्यादा लोग गरीब रहते हैं तो वहाँ 1,20,000 गरीब के एक चांट मार के काम चला लिया इन्होंने खाली। अच्छा, वो भी किसी का चला किसी का नहीं चला। तो इन्हें शहर का वोट चाहिए, इन्हें देहात से कोई ताल्लुक नहीं है। देहाती आदमी जो भी समझदार थोड़ा बहुत जानता है, थोड़ी बहुत बुद्धि रखता है, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। अच्छा, किसी भी किसानों को लेकर क्या समस्या? किसानों का कर्ज माफी का इन्होंने पक्का वायदा करा था,
पक्का वायदा करा कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे 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 करेंगे। बाद में इन्होंने लीपा पोती करके काम खत्म कर दिया। हाँ, किसानों का जो कर्ज माफी की बात चलती है वो पहले भी किसान खुश नहीं है ना। ना किसान किससे खुश होगा? किसान को मिला है कुछ जो खुश होगा? बस झूठे वायदे मिले हैं सब। वो इतना बेवकूफ है किसान भी। लोगों के अच्छे दिन आए नहीं आए? मोदी सरकार अच्छी नहीं आए? मोदी सरकार नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। मोदी सरकार बिल्कुल नहीं आए। अच्छे दिन अनिल अंबानी के अच्छे दिन आए। यहाँ का जो नेता होना चाहिए वो युवा होना चाहिए। यहाँ का प्रधानमंत्री भी युवा होना चाहिए। देखना चाहते हो राहुल गांधी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम अखिलेश यादव मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यहाँ पर योगी जी ने भी कोई काम नहीं कराया। अभी तक हम मुख्यमंत्री बने योगी जी कोई विकास नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया उन्होंने बिल्कुल भी। अखिलेश यादव की सरकार थी तो लोहिया में गांव आया, लोहिया में रोड रोड पक्के हो गए, गलियां गलियां पक्की हो गई। मगर योगी जी की सरकार में अभी तक एक टाइल भी नहीं लगी अपने गाँव में। और न योगी सरकार में कोई इतनी बड़ी कॉलोनी आई या कुछ आवास आया, कुछ कोई कुछ नहीं आया योगी सरकार में। अच्छा, जो सांसद चुन के जाते हैं समाजवादी सांसद थे, बर्क साहब थे, तो वहाँ पर यहाँ पर आए थे, उन्होंने देखा भी था। मगर 2009 में जो अब के सतपाल सैनी जो सांसद बने थे यहाँ से, वो नहीं आए, उन्होंने दिखाई नहीं दिए वो यहाँ पे। उन्होंने ना किसी आदमी से, किसी युवा किसी से कोई बातचीत ही नहीं की और किसी तरह की, बस मैंने बस सकून से अपनी ऑफिस में बैठ रहे वो। अच्छा, क्या कहने का चाहिए? हमें मोदी जी को हराना है हर हाल में। क्यों हराना चाहते हैं मोदी जी? उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं विकास के लिए। वो कहते हैं कि हमने विकास के नाम पर वोट लिया है। कुछ नहीं करा उन्होंने, सिर्फ नोटबंदी गौबंदी इसके अलावा कुछ नहीं करा है। अच्छा अच्छा जी। हाँ। लोग परेशान हो गए उनसे। वोट है आपका? जी जी है। वोट पहली बार वोट करने करोगे? नहीं 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 नहीं, इससे पहले कर चुके? जी जी कर। अच्छा, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करोगे? किस मुद्दों को? क्या समाजवादी को जिताएंगे हम तो गठबंधन को? क्यों जिताना चाहते हो समाजवादी को? क्यों जिताना चाहते हैं सर? हम जो है उस सरकार से दिक्कत में आ गए ज्यादा बड़ी। क्या दिक्कत है? ऐसा लगा मोदी सरकार के अच्छे दिन आए? क्यों 15 लाख का वायदा करा, हमारे खाते में एक भी पैसा नहीं आया, अभी शून्य पड़ा। अच्छा, जी खुलवाया था खाता? जी जनरल में खुलवाया था। जी नहीं साहब। अच्छा, बाकी इतनी नीतियां हैं युवाओं के लिए भी, मोदी जी कई सारे वादे करते हैं और गांव गांव तक पहुँचाने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, क्या लगता है सहमत है इन सारे मुद्दों? नहीं 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 है। नहीं नहीं, सरकार की बात तो ऐसी है क्या, लोग अपनी पढ़ाई क्रम में पैसा लगाते हैं, कोई बी फाइनल करा, कोई एम ए फाइनल करे हुए हैं, मगर आज तक इतने फॉर्म डाले कोई नौकरी नहीं निकाली, समझ गया? नहीं ना नौकरी की कोई पता है, कोई बात नहीं। लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी मजदूरी कर रहे हैं आजकल बेचारे, वो भी फावड़ा चला रहे हैं पढ़े लिखे भी, कोई पढ़े लिखे ही फावड़ा चला रहे हैं इस टाइम, इस दौर में बहुत हो रही है। गरीबों को देखा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं तो रिश्वत पहले मांग रहे हैं। गरीब के बच्चे अगर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो पहले रिश्वत मांग रहे हैं उनकी, क्या रिश्वत दो उसके बाद नौकरी लेगी आपकी? रिश्वत बड़ी है, रिश्वत है। सरकार में सरकार ध्यान ही नहीं रही इस बात का, अगर रिश्वत अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी रिश्वत लेते हैं, इस चीज का ध्यान ही नहीं बिल्कुल सरकार को। इधर आओ, इधर इधर इधर। वायदा किया था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जड़ से मिटा देंगे भ्रष्टाचार, जड़ से नहीं मिटाया, पहले उसकी जड़ जमा दी भ्रष्टाचार की। जो काम पहले 500 रुपये में हो जाता था वो आज सीधा 5,000 में, जो 5,000 में होता था उसका रेट सीधा 50,000। कोई अधिकारी कोई कर्मचारी बात सुनने तैयार नहीं है, माल लेना तैयार, पहला पेमेंट दो 5,000 का काम सीधा 50,000 में दो। यहाँ की आबादी के हिसाब से अगर मैं अगर अगर मैं बात करूँ, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, जैसे योगी जी प्रवक्ता हैं, वहाँ के मुखर चेहरा है बीजेपी का, वो कहते हैं कि बजरंगवली हमारे साथ हैं, अली बजरंगवली वाली राजनीति वो करते हैं, तो क्या इससे हिंदू का तुष्टिकरण होगा, वोट बैंक का क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं भाई, सब लोग पब्लिक जानती है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मस्जिद, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान और ये बजरंगबली, इन बात से क्या मतलब? इन बातों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो धार्मिक बातें हैं, धार्मिक बातें, धार्मिक बातों से राजनीति से क्या मतलब, देश से क्या मतलब? भाई वोट विकास पे दिया जाएगा, वोट विकास पे दिया जाएगा, ईमानदार आदमी को दिया जाएगा, बेईमान आदमी को नहीं दिया जाएगा, और झूठे को तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये झूठे हैं, बिल्कुल है झूठा। अरे नरेंद्र मोदी उससे बड़ा झूठा, योगी उससे बड़ा झूठा, सब झूठे हैं ये, टोटल झूठे इकट्ठे हो गए, जुमलेबाज झूठेबाज, बल्कि पेपर झूठ गिन के गिन गिन के बताए जाएंगे। इन्होंने कहा कर्ज माफ करेंगे, कहाँ कर्ज माफ करे? इन्होंने कहा कि हम हर घर को हर विकास देंगे, हर घर को मकान देंगे, हर गरीब को छत देंगे। जरा ये देखो कौन सी छत है, किस गरीब के घर छत है, कौन से गरीब के कच्चे मकान दिख रहे हैं, कौन से घर के छत है, यहाँ बताओ। हाँ बताइए, क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से चुनाव में? मतलब काम का होने चाहिए, काम होवे, विकास के उस पर मुद्दे होने चाहिए। हुआ पिछले 5 सालों में कि नहीं हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ कोई यहाँ कोई नहीं लगी विकास, ये तो जुमलेबाजी है, इसके अलावा कोई काम नहीं जुमलेबाजी के।
जुमलेबाजी है। मोदी जी जो मुद्दा उठाते हैं ना वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर उठाते हैं, राम मंदिर के ऊपर लाकर रख देते हैं मुद्दा। जब भी इलेक्शन का चुनाव का जब भी प्रचार आ जाता है तो फौरन से पहले एकदम राम मंदिर का निर्माण है, राम मंदिर बनवाएंगे और हिंदुओं को जो है और मुसलमानों को सबको भगाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं, ये बांट देते हैं लोगों को, धर्म को बांट देते हैं ये लोग। तो विकास पर जनता वोट करेगी, हाँ, विकास पर जनता वोट तो ये और ये जो मंदिर मुद्दा है, किस मुसलमान ने मना करा कि तुम मंदिर मत बनाओ, इन्हें बनाने नहीं है, 20-25 साल हो गए हम बुड्ढों के, बचपन से मंदिर मंदिर सुनते जा रहे हैं, अरे भाई बना लो। अच्छा, मना करा? आम नागरिक को क्या लगता है क्यों नहीं बनाना चाहते ये? हाँ। इनका वोट मांगने का स्टैंड खत्म हो जाएगा, ये हाँ, सारे वोट हाँ, जब इलेक्शन आया तभी बस काम शुरू। अच्छा, ये तो वोट मांगने का इनका बहाना खत्म हो जाएगा, इन पर कोई नीति नहीं है, इन पर सिर्फ ये नीति, अब इन्होंने राष्ट्रवाद की नीति पकड़ ली। अरे राष्ट्रवाद में कौन नहीं था, वीर अब्दुल हमीद नहीं थे और मुसलमानों ने नहीं लड़े हैं, अशफाकुल्ला शहीद नहीं हुए हैं, कौन कौन शहीद, किसने किस मुसलमान ने कुर्बानी नहीं दी इसके? आज भी हमारी अगर जंग होती हम सबसे पहले मरने तैयार हैं, सारे जहाँ से पहले कुर्बान देना, हमारा ही मुसलमान ने नारा दिया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मुसलमान ने दिया यानी भी नारा, तो मुसलमान हिंदुस्तान के लिए क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता, हिंदुस्तान की जान है मुसलमान, मुसलमान की जान की बात है, जीतने की यहाँ कोई मुकाबला किसी से नहीं है, यहाँ पे जो है एक तरफा अलग है, सम्मल लोकसभा सीट शफीकुर रहमान पर तकरीबन 3 लाख वोट से जीतने की। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये मुरादाबाद का गांव था खाईखेड़ा, यहाँ के लोगों का जो मतदान करने के लिए ये जा रहे हैं वो विकास को लेकर जा रहे हैं, मुद्दे कई सारे उठाए हैं, मोदी सरकार के जो वादे थे वो विफल साबित हो रहे हैं जनता के मुताबिक। अब देखना ये होगा कि जनता किसको चुनकर अपना प्रतिनिधि मानती है, संसद तक पहुँचाती है। कैमरामैन इम्तियाज के साथ आकिल रजा, मुरादाबाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।